नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। हमारा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा मसाला, या घर में मम्मी स्टाइल में जो राजमा मसाला बनता है आप बनाते जा रहे हैं राजमा मसाला। तो आप तो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे पहले हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ऑलरेडी राजमा को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, और यह है गार्लिक चॉप, झिंजर चॉप, यह फाइन ग्रीन चिली चॉप, और यह है ऑनियन चॉप, कोरिएंडर चॉप, और ये देख रहे हैं टोमेटो चॉप। मैंने ये सब वेजिटेबल्स ऑलरेडी काट के रखा हुआ है। तो हमने जो राजमा बनाने जा रहे हैं उसके लिए पहले जो तड़का चाहिए उसके लिए आप लोग देख रहे हैं, यह है ड्राई रेड चिल्ली, बेलीव्स, सिनेमन स्टिक, और यह है हॉल जीरा सीड। पहले इस बर्नर को ऑन कर लिया, हम बांटाते हैं लगन, तो थोड़ा टाइम रुक जाते हैं हमारे इस लगन को गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं, अगर आप लोग चाहे तो इसमें रिफाइन ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मास्टर ऑयल ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर ऑयल में खाना बनाएंगे तो खाना का थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। पर तो दोस्तों हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, तो हम पहले ऐड करने जा रहे हैं, ये देख रहे बेलीव्स, और यह है सिनेमन स्टिक, और यह है रेड चिल्ली। तो इस रेड चिल्ली को अच्छा से भूनना है। अब हम ऐड कर रहे हैं जीरा से। तो हमारा जब जीरा अच्छा से ब्राउन हो जाए तब हम ऐड करेंगे गार्लिक का। तो थोड़ा सा गार्लिक ब्राउन होने के बाद हम ऐड करते हैं इसमें जिंजर सॉस। तो दोस्तों हमारा जिंजर ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली चॉप। तो अब इसको थोड़ा टाइम तक अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। जब हमारा जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे, यह है बारीक काटा हुआ प्याज है, तो प्याज ऐड कर लेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग ऑनियन का अच्छा से ब्राउन कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग ऑनियन कैसे ब्राउन हो गया। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मसाला। तो हमारे इस ऑनियन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालते हैं सॉल्ट थोड़ा स्वादिष्ट अनुसार, और हम इसमें डालने जा रहे हैं यह है टर्मेरिक पाउडर, और यह है चिल्ली पाउडर, यह है जीरा पाउडर, और यह है कोरिएंडर पाउडर। तो इस मसाला को हमने अच्छा से भूनना है। तो दोस्तों इसमें मैंने क्या क्या मसाला डाला, सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। तो आप मसाले को ऐसा अच्छा से भूनने का वजह अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टोमेटो, क्योंकि मसाला को जो ऑयल के साथ प्याज के साथ अच्छा से ब्राउन करना है। तो अब हम ऐड करते हैं टोमेटो, और इस तो मसालों को इसको अच्छा से भूनना है, क्योंकि मसाला से ही जो राजमा मसाला बनेगा उससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं पानी, फिर इसको अच्छा से इसको भूनेंगे। थोड़ा पानी डाल के हमको मसाला अच्छा से पकाना है। पानी डाल के मसाला को अच्छा से पकाएंगे तो मसाला का जो ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट वो आएगा। ये हम बना रहे हैं मम्मी स्टाइल घर का राजमा मसाला, जो सिर्फ काली प्याज और टोमेटो से बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारा ऑलरेडी मसाला भून के रेडी हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं राजमा, मिक्स करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा राजमा को क्रश करके भी डाल सकते हैं, तब ग्रेवी में अच्छा थिकनेस आएगा। तो अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें वाटर, आप लोग को जितना सा पानी चाहिए वही हिसाब से पानी ऐड कीजिए।
तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये राजमा मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको ऐसे उबालेंगे अच्छा से। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं बटर। ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर। और अब हम लास्ट में ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कम के गरम मसाला पाउडर। इसको ज्यादा देंगे तो कड़वापन आएगा, क्योंकि ये राजमा ऑलरेडी दाल का है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला पाउडर। खाना को चटपटा बनाने के लिए अगर आप लोग चाहे तो थोड़ा नींबू का जूस डाल सकते हैं, तब ये राजमा मसाला और भी चटपटा लगेगा आप लोग को। तो थोड़ा सा नींबू जूस डाल दीजिए। और दोस्तों खाना बेसिकली दिल से बनता है। तो ये था राजमा मसाला, देख रहे हैं ये रेसिपी आप लोग का सामने। ये राजमा मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्विस करें। ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके आप लोग अपना घर पे बनाए। अगर अपना होटल या दोस्त को सजेस्ट करना चाहूंगा, सेम ऐसे ही रेसिपी फॉलो करके अपना जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ऐसे ही खाना बना के अपना गेस्ट लोगों को सर्विस करे। तो कैसे ये रेसिपी लगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और सेफ गोपाल के नाम पे जोरदार लाइक हो जाए।